अगर आप मेन वाला जी कैम अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करवा रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने डिवाइस में जी कैम का गो एडिशन, जो कि एक जी कैम का लाइट एडिशन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स, काफ़ी अच्छी यूआई देखने को मिल जाएगी, नॉट एग्जैक्टली लाइक जी कैम के जो आपको मेन जी कैम में फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एच डी आर को ऐड कर दिया गया। तो अगर आपको एच डी आर आप यूज़ करते हैं फोटोज़ को क्लिक करने के लिए, तो आपके पास यहाँ पर एच डी आर का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ साथ उस स्नैपचैट के फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं ऑफकोर्स, अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें एक फीचर आपको देखने को मिलता है जिसमें आप ये देख सकते हैं आप कितनी फोटोज जो हैं एक टाइम पे शूट कर सकते हैं अपने डिवाइस में, यानी कि स्टोरेज के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आपको फोटो, वीडियो, ट्रांसलेट, ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं और सभी फीचर्स काम करते हैं। इवन इसमें पोर्ट्रेट मोड भी है, लेकिन इस अपडेट में हमारे पास यहाँ पर क्यूआर स्कैनर का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि शायद पहले अवेलेबल नहीं था, और ये काफ़ी अच्छी चॉइस है बिकॉज अगर आप एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13 यूज करते हैं और अगर आप मोस्टली आजकल ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, किसी लिंक को आपको स्कैन करना है तो अपने डिफॉल्ट कैमरा ऐप से स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिल्टर्स वगैरह के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर्स काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं एक नॉर्मल जी कैम के कंपैरेटिवली। इसमें उतने कम फीचर्स नहीं हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जितने भी आपके डिवाइस होंगे सभी कंपैटिबल होने चाहिए इसके साथ। अगर आप एंड्रॉइड 10 यूज़ कर रहे हैं, 11, 12, 13, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड्रॉइड 12 और 13 में तो बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा और एंड्रॉइड 11 में भी ये चीज़ काम करनी चाहिए। इसके कुछ और फीचर्स की बात करेंगे तो इसकी सेटिंग्स में उतने सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं जो आपको एक नॉर्मल जी कैम में देखने को मिलते हैं, लेकिन एच डी आर का कंट्रोल, ग्रिड, सेव लोकेशन, सेल्फी एज प्रीव्यूड, फोटो के एस्पेक्ट रेशियो, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और स्कैनिंग का फीचर जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो अवेलेबल है और वो ऑप्शन है, अगर आप उसे नहीं यूज़ करना चाहते आप डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल फीचर हो सकता है तो आप इसे अपने डिवाइस में भी ट्राई आउट कर सकते हैं। नाइट मोड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, एच डी आर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एच डी आर को ऑन करेंगे तो आप नाइट मोड को ऑफ रहने देंगे, नाइट मोड को साथ में आप नहीं कर सकते। तो बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, ये एक नॉर्मल एपीके फाइल है जिसके लिए आपको अपने डिवाइस को रूट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में और ये चीज़ काम करेगी। और यही सब चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी यही सप्ताह आज की इस छोटी सी वीडियो में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल सी द नेक्स्ट वन, अंटिल देन गुड बाय।